हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो शाम में अपलोड कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने आप सभी को गुड इवनिंग विश किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने रिद्धि का बर्थडे 28 नवंबर को सेलिब्रेट किया, मगर पोस्ट करने में ज़रा देर हो गई क्योंकि इनका ड्यूटी था और फिर उसके बाद अकेले ही सब कुछ मैनेज करना था। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने जैसे तैसे घर को थोड़ा बहुत डेकोरेट किया, और उसके बाद फिर जब ये ड्यूटी से वापस आए तो रिद्धि को तैयार किया। ये इतनी सुंदर सी फ्रॉक बारबी वाली मैं लेकर आई थी इसके लिए। वैसे इसकी फ्रॉक इसकी मौसी ने दिलवाई है, और मगर क्या हुआ कि इसको ये फ्रॉक पसंद ही नहीं है। जैसे ही इसने पहने उसके बाद से इसका जोर होना स्टार्ट था। एक भी वीडियो अच्छा नहीं बनवाया, ना तो इसने फोटो खिंचवाई, और ना तो इसने केक कटिंग के टाइम पर एक भी अच्छी सी वीडियो क्लिप बनवाई। सब में रोती ही रही, जैसे कि आप खुद ही देख रहे होंगे वीडियो। पापा ने खुद ही ब्लो कर दी कैंडल्स, बोला चलो भाई हम एक कर देते हैं, किसी तरह केक कट तो करा लो बेटा। केक कट कराते टाइम थोड़ा सा मैडम का मूड ठीक था, मगर फिर भी देखो खुश नहीं हुई कि थोड़ा सा भी हंस दे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या, जैसे ही केक कटिंग हुई तो पापा ने सोचा कि चलो अभी इनका सोलो वीडियो बना लेते हैं, मगर बस पापा के उठने की देरी थी कि लोमो तालाब बुला के रोने लगी। अब रो रही थी तो सोचा कि चलो अच्छा रहने देते हैं, अभी नहीं कराएंगे। मगर फिर क्या, केक मिल गया इनको अचानक से। इन्होंने देखा केक को देखे ही बस काटने स्टार्ट, काटते काटते फिर इनको याद आया तो ये फिर से रोने लगती हैं। ये देखो फिर हमने क्या किया, हमने कहा चलो छोड़ो, अभी जो हो गया जितना केक कटिंग करना था हो गया। तो हमने बस किसी तरह से सबको ये जो लाए थे हम लोग स्नैक्स वगैरह सब में डिस्ट्रीब्यूट किए, इनके कपड़े चेंज किए। ये ड्रेस भी इनकी मौसी ने ही दिलाई थी और ये साइकिल मामा ने। बस जैसे ही ड्रेस चेंज हुई मैडम का मूड एकदम से चेंज हो गया। हमने सोचा यार ये फ्रॉक ना ही पहनाते तो ज़्यादा बेहतर होता। फ्रॉक पहना दी, पूरा वीडियो भी अच्छे से नहीं बनवाया, डंगरी पहन के देखो कितनी खुश है, अपने बर्थडे की डेकोरेशन भी देख रही हैं, सब कुछ देखा इन्होंने। फिर अच्छे से वीडियो भी बनाया साइकिल के साथ, खूब मस्ती की इन्होंने, बढ़िया, कभी बैठ के चलाई, कभी खड़े हो जा रही हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब टोटली इन्जॉय किया इन्होंने। बस इतना ही किया। फिर उसके बाद हम लोग घर से बाहर निकल गए थे एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट करने के लिए। तो खुद करते हुए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैंने सोचा क्यूट सी फ़ोटोज़ हैं, चलो कुछ फ़ोटोज़ तो अच्छी हैं जो मैं अपडेट कर देती हूँ। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक रेड हार्ट कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।